अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल जॉब चीनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब के साथ। BPS 1 से लेके BPS 17 स्केल तक की जॉब्स अवेलेबल हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका भी आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी, आज की जो हमारी जॉब है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की हुकूमत सिंध की तरफ से जॉब्स हैं। ये असामियाँ खाली हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। स्पेशली मैंने आपके लिए जंग न्यूज़पेपर की आज की ही जॉब्स खोली हैं, ऑथेंटिक जॉब्स हैं, न्यूज़पेपर से ली है आपके लिए, ताकि आप लोगों को ये वहम ना हो कि कोई फेक जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, वन बाय वन अपनी जॉब की जो है वो डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली जो जॉब हमारे पास अवेलेबल है वो मैनेजर ताल्लुका सोशल रजिस्ट्री की है, PPS 7 स्केल की और BPS में 17 स्केल की जॉब है। इस पे अप्लाई करने की जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है वो 50 साल है। कुल असामियाँ एक हैं। काबिलियत जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो सोशोलॉजी या सोशल वर्क या इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का सेम शोबे में जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अगली जॉब हमारे पास सोशल मोबिलाइजर केस वर्कर की जॉब है। BPS 9 से 10 स्केल की ये जॉब है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अप्लाई करने की उम्र 45 साल है। मर्दों के लिए 1 सीट है और ख़वातीन के लिए भी 1 ही सीट अवेलेबल है। काबिलियत जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो आपके सोशल साइंसेज में बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास तजर्बा होना भी ज़रूरी है। अगली जॉब हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। BPS 9 से 10 स्केल तक की जॉब है। कुल तादाद इसकी 2 है। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में और उसके साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास कहीं रेलिवेंट फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगली जॉब हमारे पास ड्राइवर की है। BPS 1 से लेकर 4 स्केल तक की ये जॉब है। इस पर अप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल होगी। कुल तादाद 1 है। इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है आपके पास। नेक्स्ट जॉब हमारे पास नायब कासिद की है। BPS 1 से 4 स्केल की ये जॉब है। कुल तादाद इसकी 2 है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और साथ साथ आपके पास इसी फील्ड का थोड़ा बहुत तजर्बा होना ज़रूरी है। अगली जॉब हमारे पास चौकीदार गार्ड की है। 1 सीट अवेलेबल है। प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और अगली जो लास्ट जॉब है वो स्वीपर की जॉब है। इसकी भी 1 ही सीट है और प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास है वो बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर सपोर्ट प्रोग्राम की सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें भी जो पहली जॉब है हमारे पास मैनेजर ताल्लुका सोशल रजिस्ट्री की है। BPS 17 स्केल की जॉब है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अप्लाई करने की उम्र 50 साल है। कुल तादाद 1 है। काबिलियत सेम वही मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है सोशोलॉजी या इकनॉमिक्स वगैरह में, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगली हमारे पास सोशल मोबिलाइजर केस वर्कर की जॉब है। BPS 9 से 10 स्केल की ये जॉब है। मर्दों की 1 सीट है, ख़वातीन की 1 सीट अवेलेबल है। इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगली जॉब हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। कुल तादाद 2 हैं। इंटरमीडिएट कंप्यूटर के साथ रिक्वायर्ड है, उसमें साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है आपके पास। नेक्स्ट जॉब हमारे पास ड्राइवर की है। BPS 1 से 4 स्केल तक की जॉब है। कुल तादाद 1 है और इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है नायब कासिद की जॉब है, चौकीदार गार्ड की जॉब है और स्वीपर की जॉब्स अवेलेबल हैं। जो तीसरा हमारे पास सेक्शन है उसमें हमारे पास जी है मदर एंड चाइल्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम की ये जॉब्स अवेलेबल हैं। इस डिपार्टमेंट में जो जॉब है वो पहली जॉब हमारे पास मैनेजर ज़िला सोशल रजिस्ट्री की है, सॉरी BPS 17 स्केल की जॉब है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इस पे अप्लाई करने की 50 साल है, जिसमें थरपारकर की 1 सीट है और उमर कोट की 1 सीट अवेलेबल है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में या सोशल वर्कर या इकोनॉमिक्स वगैरह में, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जॉब हमारे पास सोशल मोबिलाइजर केस वर्कर की है। BPS 9 से 10 स्केल की थरपारकर की 1 सीट है मर्द के लिए, 1 है औरत के लिए। उसके बाद अगली उमर कोड में 1 सीट जो है वो मर्दों के लिए और 1 ख़वातीन के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें थरपारकर की 2 सीटें हैं और उमर कोड की 2 सीटें अवेलेबल हैं। ड्राइवर के लिए हमारे पास थरपारकर में भी 1 सीट है, उमर कोड में 1 सीट है। नायब कासिद के लिए थरपारकर में 1 और उमर कोड में 1-1 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट चौकीदार या गार्ड के लिए भी थरपारकर में और उमर कोट में 1-1 सीट अवेलेबल है और स्वीपर के लिए भी हमारे पास कुल तादाद 2 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये सारी सिंध की जो हैं वो जॉब्स हैं।
इस पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर 2022 है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको अपनी जो लेटेस्ट CV है वो अपडेट करनी है, साथ CNIC की कॉपी लगानी है, जितने भी आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है, जितने भी काबिलियत के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे, ये एड्रेस दिया गया है दफ्तर सोशल प्रोटेक्शन है यहाँ पे यूनिट 5th फ्लोर, यहाँ पे जो है आप एड्रेस जो है रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो जमा करवानी है CV में, और साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सारा कुछ अटैच करके यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको जाके जमा करवानी होगी बाय हैंड, ठीक है जी। तो इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा, बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इस पे दोस्तों को भी अपने साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।